ये नई नौकरानी नीचे पूनम के माँ बाप को बोल बैठी कि पूनम और आकाश अलग अलग कमरे में रह रहे। फिर आगे मुंह उठाकर, इन्हें कोई काम धाम है कि नहीं जब देखो आ जाते हैं यहाँ। अब ये सब छोड़ो, जाओ नीचे जाओ और देखो, और ये सोचो कि रानी की बिगाड़ी हुई बात कैसे समझेगी। मेहमान चाहे जो भी हो, उनका सम्मान ही हुआ इस घर में, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस बात को संभालो और 6 महीने की बात का पता न चलने दो, क्योंकि वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि उनकी बेटी हमारे यहां अच्छे से बस गई है। चाहे जो भी, 6 महीने तक हमें इस रिश्ते को निभाना ही पड़ेगा। जब तक वो लड़की इस घर में रह रही है, उसे बहू और उसके माँ बाप को समधी समधन का दर्जा देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम खुद जाकर बात को संभालो। यहां क्यों खड़ी हो, जाओ और जो कहा है वही करो, कोई उलट फेर मत करना। हाँ जाओ। अच्छा, हमारे एक सवाल का जवाब दोगे? पापा पूछिए दीदी। तुमने वो मुहावरा सुना है, हिंग लगे न फिट करी और रंग भी आए चोखा। आप सुना तो है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि बिना मेहनत बिना लागत अपना काम करवाना, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मन में हो। कनु को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी वैसा नहीं करेगी जो मैं कहूंगी, पर जो मैं चाहती हूं वो करवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। माँ जी, बाबू जी, आप लोग कुछ लीजिए ना। नमस्ते। नमस्ते, आप बैठिए ना, बैठिए। वो बच्चों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। ये क्या, आपने सिर्फ चाय पी? पूनम, अपनी माँ बाबूजी को कुछ खिलाओ पिलाओ तो सही। जी शुक्रिया, अभी मन नहीं। मैं समझ सकती, आखिर जो हुआ उसके बाद आदमी की भूख प्यास तो मिट ही जाती है ना। माँ जी तो पूनम का भी बहुत ख्याल रखती है, आखिर ये भी तो हमारी मेहमान ही है ना। जितना लाड प्यार दे सकती है दे रही है, बस 6 महीने और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, फिर पूनम भी खुश और हमारा परिवार भी खुश। छह महीने पूनम बिटिया यहां मेहमान? बाबूजी, वो भाभी का कहने का मतलब ये है कि पूनम जी अभी इस घर में नई नई है ना, तो धीरे धीरे इस घर के सब लोगों को जानेंगी पहचानेंगी, तो उसमें 6 महीने तो लग ही जाएंगे। सबसे जब तक पूनम जी घुल मिल नहीं जाती तब तक तो मेहमान के जैसी है ना, फिर तो घर की सदस्य बन जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं बेटा, समय के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है ना। पर हमें पूरा यकीन है हमारी बिटिया बहुत ही जल्द ढल जाएगी आपके घर के रंग में। देखिए बेटा,
आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें दो बातें सुननी भी पड़ी ना तो हमें बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके घर वालों की मनस्थिति अच्छी तरह से समझ रहा हूं। पूनम के माँ बाप होने के नाते दोनों परिवारों के बीच का फासला मिटाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पूनम को स्वीकार करके उन्होंने पहला कदम तो बढ़ाया है, अब अगला कदम हमें बढ़ाना है ताकि संबंधों के बीच से नाराजगी की दीवार जल्द से जल्द गिर जाए। जी बाबूजी, चलिए। क्या ये सब आकाश ने कहा? देवर जी तो पूरे के पूरे चमचे हो गए हैं अपने ससुराल वालों के, और उन पर पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने। हाँ, पर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। बहुत समझदार है मेरा बेटा, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम्हारी तरह वो बिना सोचे समझे नहीं बकता। क्या जरूरत थी वो 6 महीने वाली बात बताने की? तुमको वहां बात संभालने के लिए कहा था, बात बिगाड़ने के लिए नहीं। देखिए माँ जी, मैंने जो कहा सच कहा, बस बहुत हो गया। उस लड़की को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये क्या कम है जो अब उसके माँ बाप को भी बर्दाश्त करें? उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो ही ये मेहमान नवाजी बंद होगी। मैं कोई खाली नहीं बैठी जो हर वक्त उनके आओ भगत के लिए तैनात रहूंगी। और अगर आपको इतना ही शौक है अपनी समधियों की खातिरदारी करने का, तो बस आपके सुपुत्र आते ही होंगे अपने सास ससुर के साथ। कर लीजिएगा जी भर के उनकी खातिरदारी। तो उसमें बुराई क्या है? मिलने आ रहे हैं, ठीक है मिल लेंगे। 6 महीने के समधी है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। जय और आकाश को मैं आपके यहाँ भेजती हूँ आपका हाथ बटाने के लिए। क्या सच? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी हाँ जी हाँ, ठीक है दादी। दादी मैं आप ही के पास आ रहा था, पूनम जी के माँ बाबू जी आए हैं तो आपसे मिलना चाहते। जीते रहे। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। प्रार्थना, बेटा भूषण जी की पोती की शादी पर जा रहा है, ये शगुन के लिफाफे हैं, जरा इन पर नाम लिख दो। मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में आपसे। माँ जी हम समझते हैं आपके पूरे परिवार को इस शादी की वजह से बहुत परेशानी हुई है, और हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह शादी हुई है उससे आप लोग बहुत नाराज हैं, पर जिन परिस्थितियों में ये शादी हुई थी हम उस मानसिक स्थिति में नहीं थे कि हम किसी को कुछ बता पाते। माँ जी जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन माँ जी आप इस घर में बड़ी हैं, अगर आपने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी तो घर के सारे लोग भी हमारी बेटी को अपना लेंगे। हालात जैसे भी थे लेकिन इस घटना ने हमारे परिवार को भीतर तक हिला डाला है। जानती हूं मैं कि जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु सब कुछ जल्दी स्वीकार कर लेना भी हमारे बस में नहीं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन दादी को पूनम जी से कोई शिकायत नहीं है ना दादी? हमें पूनम से कोई शिकायत नहीं है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है।
आओ बेटा। वाह वाह क्या बात है रानी जी, जैसे आपके अंग्रेजी जबरदस्त है ना, वैसे आपकी इलायची हरी चाय बहुत ही मजेदार है। आज तो जिंदगी में मजा ही आ गया। तो रानी जी, आज हमें शादी में जाना है, तो आप हमारे कपड़े पसंद करेंगी क्या? अरे बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आपको सर्दी हो गई है। नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही ठीक हो जाएगी। चलिए आप लोग। चाय दे दी ना, खड़े खड़े अपने दांत क्या निपोड़ रही हो? ये पकड़ो, जा अपना काम करो। ओके ओके। माँ बाबू जी आइए ना, मैं आपको घर के सबसे प्यारे सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ, हमारे मामा श्री बच्चू मामा, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। मामा श्री, मैं जिस प्यार से आपके गले लग रहा हूँ ना, उसी प्यार से पूनम जी के माँ बाबू जी से मिलिएगा, वरना ये जो रानी वाला किस्सा है ना, इसकी पोल में सारे घर वालों के सामने खोल दी। अरे मामा जी आइए ना, आइए। ये है पूनम जी के माँ बाबू जी, ये हमारे बच्चू मामा जी। मैं पूनम का मामा ससुर हुआ तो इस नाते आप भी मेरे समझे और समधन हुए। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक है। मैं तो आकाश से कह ही रहा था आप लोगों से अलग से मिलने के लिए, आज समझे कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हमारी बेटी पूनम अब आप ही की बेटी है, जरा इनका ख्याल रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी। बेटा आपके मामा जी तो बहुत अच्छे हैं, अब आपके पिताजी से मिलने तो। पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, बड़े भैया से मिल लीजिए। हाँ, वो अपने ही कमरे में होगा, आप लोग आराम से जाके मिलिए सब लोगों से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पूनम जी, आप माँ बाबूजी को पूरा घर दिखा दीजिए, मैं तब तक ऊपर जय भैया और भाभी को देखकर आता हूँ। है कि मतलब हम लोग भी चलते हैं ना, घर तो बाद में देख सकते हैं। बाबूजी वो क्या है कि भैया और भाभी का कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे, तो मैं देख कर आता हूँ कि वो हैं कि नहीं, फिर उसके बाद मिल लीजिएगा। लेकिन क्यों मिलना है उनको मुझसे? छोटे जाकर कह दो उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। अरे आने दीजिए ना, दिल में जो भी गुबार भरा पड़ा है वो सब निकालने का मौका मिलेगा आज। भाभी वो हमारे मेहमान है, कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनकी बेइज्जती मत कीजिएगा। जो जैसा है उससे वैसे ही बात करूंगी ना, जिस इंसान की जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही। बेटा आपका घर तो बहुत सुंदर है, आप जल्दी से आकाश जी के भैया भाभी और घर के और लोगों से मिलवा दीजिए, हमें लौटना भी तो है ना, बहुत देर हो रही है। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी मैं उन्हें आज। भैया आप ही समझाइए ना भाभी को, इस तरह घर आए मेहमान को खरी खोटी सुनाना क्या अच्छी बात है? देखो नहीं, मुझे किसी की नसीहत नहीं चाहिए, जो बोलना है सिर्फ मैं बोलूंगी और वो लोग सिर्फ सुनेंगे। आइए माँ जी बाबू जी, ये मेरे बड़े भैया हैं जय। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है बेटा, आप ठीक तो हैं?
आप अभी भी नाराज लग रही हैं। बाबूजी, हमारी तन्नू भाभी और नाराज हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसी हैं कि जो किसी भी बात पर आज तक मुंह फुला कर नहीं बैठी है। इनकी वजह से तो पूरे घर में रौनक रहती है। इनका मन तो इतना साफ है कि जो इनके दिल में है वही इनके मुंह पर। मुझसे तो इतना प्यार करती हैं कि मैं चाहे रात को जितना भी लेट आऊं ये मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखती है। अब बताइए, कोई इतना प्यार अगर किसी से करेगा तो नाराज हो सकता है भला? हाँ, कभी कभी जो है इनके मुंह से तीखी बात जरूर निकल जाती है, लेकिन मन बिल्कुल साफ है इनका। मन में कोई दुर्भावना नहीं है। अरे मेरे देवर जी बेकार ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। मैं तो बस इस घर की बड़ी बहू होने के नाते सबका ख्याल रखती हूँ। आप मेरे देवर जी की बातों में मत आइएगा, और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? माफी किस बात की? हम तो खुश हैं कि हमारी पूनम को आप जैसी नेक दिल जेठानी मिली। बल्कि हम तो कहते हैं आप पूरी पूरी सेवा करवाइए अपनी देरानी से। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। क्या बात है कन्नू डार्लिंग, ऐसा क्या मंत्र पढ़ा उन्होंने तुम पर जो तुम ज्वाला बरसाने की जगह फूल बरसाने लग गई? चुप रहिए ना आप। देखा नहीं देवर जी कितनी तारीफ कर रहे थे, अब उनकी तारीफ का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। वैसे ठीक ही किया तुमने, अगर तुम पूनम के माँ बाप को कुछ बुरा भला कहती तो वो भी चुप थोड़ी ना बैठती। कहीं गुस्से में आकर अपनी 6 महीने बाद जाने वाली बात से वो मुकर जाती तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।